नमस्ते मेरे सभी प्यारे मित्रों, मैं आपका दोस्त ब्रजेश शर्मा आपके लिए लाया हूँ बहुत ही सुंदर कहानी, मेरी मछली नहीं मेरी मछली। इसको लिखा है सूरज जे मेनन ने, चित्रांकन किया है सौम्या मेनन ने, इसका हिंदी अनुवाद किया है आभा डोंडियाल ने। तो आइए सुनते हैं कहानी मेरी मछली नहीं मेरी मछली। एक सुबह किच्चू जल्दी उठा, उसने जम्हाई लेते हुए कहा, आज कुछ नया किया जाए, चलो चलकर थोड़ी मछलियां पकड़ी जाएं। पोखर के रास्ते उसे चोरू मिल गया। पोखर तो आप जानते होंगे ना, जहां पर छोटी मछलियां, सांप, कछुए आदि रहते हैं। वे दोनों पक्के दोस्त थे, जो सारा दिन एक साथ खेलते रहते थे। आपके भी पक्के दोस्त होंगे, मेरे तो खूब सारे हैं। मुनिया ने उन्हें मछली पकड़ने की बंसी लेकर जाते हुए देखा और पूछा, कहाँ जा रहे हो दोनों? वो बोले, हम मछली पकड़ने पोखर जा रहे हैं, अगर तुम चलना चाहो तो साथ आ जाओ। छोटी मुनिया ने कुछ देर सोचा, अगर मछलियां पानी से बाहर आईं तो वो मर जाएंगी। तो उसने उनसे कहा, ऐसा मत करो, बिना पानी के मछलियां मर जाएंगी। उन्होंने मुनिया की एक ना सुनी और वे सीधे पोखर की ओर चल पड़े। मुनिया भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। किच्चू और चोरू पोखर के किनारे बैठ गए। दो मछलियां सामने से तैरती हुई निकल गई, एक पतली और दूसरी गोल। फिर तीसरी मछली आई। आज तक उन्होंने इतनी बड़ी मछली नहीं देखी थी। मुनिया ने चौंकते हुए कहा, यह तो अप्पा के पैरों से भी बड़ी है। किच्चू और चोरू को लगा कि उनकी बंसी में कोई मछली फंस गई है। उन्होंने अपनी मछली पकड़ने की बंसी को कस कर पकड़ा। किच्चू चिल्लाया, मेरी मछली। चोरू चिल्लाया, नहीं मेरी मछली। किच्चू ने जोर से खींचा, चोरू ने और जोर से खींचा, दोनों की बंसी टूट गई, फट। किच्चू जमीन पर गिर पड़ा, धम। चोरू पानी में गिर गया, ग्लुप। सोचो ये कैसे हुआ होगा, ऐसा क्या हुआ जो बंसी टूट गई? चलो हम बता देते हैं। उन मछलियों ने बंसी की रस्सी को एक बड़े पत्थर से बांध दिया था।